दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कॉमन क्रेथ को। ये जिस फैमिली से आता है दोस्तों बंगरस, वो फैमिली बहुत ही स्पेशल है। कॉमन क्रेथ को तो आपने कई बार देखा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये बाकी वीडियोज़ की तरह ही है, लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक उठाने के मूड में हैं अक्षय। और टॉपिक ये है कि बंगरस स्पीशीज़ जो है ये एशिया की एक ऐसी स्पीशीज़ है जिस पे स्टडी बहुत ही कम कंडक्ट हुआ है। और ये चीज़ हमने अपने उस सीरीज़ में भी बताया था जहाँ हमने शायद 5 या 6 एपिसोड की एक सीरीज़ हमने बनाई थी जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ क्रेथ्स पे बात किया था। तो स्टडी कम है, इससे क्या नुकसान है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो सांप हैं बहुत ही अंडररेटेड स्नेक्स हैं। मतलब हालांकि क्रेथ के नाम से काफ़ी लोग घबराते हैं, काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों का जो अभी भी सांप के दिखावे पे ही जाते हैं। जैसे कि कोबराज हो गए या वाइपर्स हो गए, ये शो ऑफ करने वाले सांप हैं जो बहुत ज़्यादा वार्निंग देते हैं, लेकिन क्रेथ्स ज़्यादा वार्निंग नहीं देते। इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि बहुत शांत जो है ये सांप है और इसका वेनम जहर जो है वो बाकी सांपों के मुकाबले उतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। दोस्तों क्रेथ जो है वो दो एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, लैंड और वाटर। हमने सी स्नेक्स या सी क्रेथ्स भी देखे हैं और हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि सी क्रेथ का जहर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। और हमने लैंड क्रेथ्स को भी देखा है, हम ये भी जानते हैं कि लैंड क्रेथ्स जो हैं उनका वेनम कितना ज़्यादा पोटेंट होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि इनके वेनम कॉम्पोजिशन पे जितनी स्टडी होनी चाहिए थी उतनी स्टडी नहीं हुई है, और यही कारण है कि क्रेथ बाइट से डेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि इंडिया में कोबरा बाइट से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन इलाकों को भी अगर जोड़ लेंगे आप, म्यांमार, तो आप देखेंगे वहाँ जो है क्रेथ बाइट से काफ़ी लोगों की डेथ होती है। और क्रेथ के बाइट करने के बाद जो रिएक्शंस शरीर में होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसका रीज़न कहीं ना कहीं इनके वेनम का, इनके जहर का कॉम्पोजिशन है। कई वैज्ञानिकों को तो ये भी मानना है कि इस मतलब बंगरस फैमिली में एशिया का जो है ताइपान बनने की पूरी क्षमता है। और एक 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 बात ये भी है कि ये इवॉल्विंग स्नेक भी हैं। अगर स्नेक की एक फैमिली की बात की जाए जो मतलब जहर के हिसाब से काफ़ी इवॉल्व हो रही है, हालांकि बहुत बहुत सी ऐसी फैमिली है, लेकिन बंगरस फैमिली का नाम जो है इसमें सबसे ऊपर आता है। ये सबसे तेज़ी से अपने वेनम को इवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिंध क्रेथ की, अगर हम बात करते हैं वॉल्स क्रेथ की, अगर हम बात करते हैं ग्रेटर ब्लैक क्रेथ की, लेसर ब्लैक क्रेथ की, रोमुलस क्रेथ की, तो ऐसे कई सारे सब स्पीशीज इसके हैं जिनका वेनम, इन सभी का जो वेनम है ये कॉमन क्रेथ के वेनम से ज़्यादा पोटेंट बताया गया है। तो अगर अच्छे से रिसर्च इस पर नहीं की गई दोस्तों तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी पहेली अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी। तो अमित जी, आपने कहा कि बंगरस स्पीशीज जो है ताइपान बन सकती है एशिया की, तो क्या आपका जो झुकाव है या आप जिस तथ्य पर बात कर रहे हैं वो क्या इसके वेनम की टॉक्सिसिटी है या जो कंपोनेंट्स हैं इसके वेनम की, आप उस पर ध्यान लाना चाहते हैं रिसर्चर्स का? जी, ये दोनों ही चीज़ इसमें शामिल है अक्षय जी, इसके वेनम के कंपोनेंट पे भी और वेनम की टॉक्सिसिटी पे भी। एक्चुअली इसका जो वेनम है उसमें सिर्फ न्यूरोटॉक्सिसिटी को महत्व दिया जाता था अब तक, या जाता है अब तक, लेकिन रिसर्च में कुछ नई बातें ज़रूर निकल के आई हैं और उम्मीद है कि और रिसर्च होने पे और नई बातें, बहुत ख़ास बातें निकल के आएंगी जिससे इसका एंटी वेनम बनाना और आसान हो जाएगा और ज़्यादा लाइव्स जो हैं वो बचाई जा सकेंगी। फ़िलहाल हम एक झाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये खुद तो जाना नहीं चाह रहा है, तो हम खुद यहाँ एक झाड़ी के पास आ गए हैं जहाँ बहुत सारे होल्स भी हैं, बिल भी हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा बिकॉज़ यहाँ लाइट जो है उससे बचने का इसको रास्ता मिल जाएगा। और आते ही एक बिल इसको मिल गया, बहुत ही अच्छा, और ये उसमें प्रवेश कर जा रहा है, तो ये तो चला जाएगा अपने गंतव्य स्थान पे। पर आप ना भूलें कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही क्या आप क्रेथ की सब स्पीशीज़
के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, अगर आप अगर हमारी क्रेत की सीरीज़ देख के आपको जानकारी मिल रही है तो अच्छी बात है। आपको उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।